हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको DSCP रिजर्वेशन कैसे करते हैं ये बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाएं और DSCP कंसोल ओपन करने के लिए DSCP कंसोल पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये DSCP कंसोल है। सर्वर डॉट आइडियाज़ फॉर विक्ट्री डॉट कॉम डोमेन नेम पे क्लिक करें, IP वर्जन 4 पे क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोप है हमारा 192.168.0.0, ये एक स्कोप बना हुआ है जिसका नाम है न्यू स्कोप। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंडर में, स्कोप के अंडर में रिजर्वेशन ऑप्शन आ रहा है। रिजर्वेशन ऑप्शन होता है क्या है? अ रिजर्वेशन इंश्योर्स दैट अ DSCP क्लाइंट इज ऑलवेज असाइंड द सेम IP एड्रेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके नेटवर्क में एक साथ कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और वो सारे के सारे कंप्यूटर्स IP एड्रेस DSCP सर्वर से डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो DSCP सर्वर उनको सबको बार बार IP एड्रेस असाइन करेगा। सिस्टम जितनी बार रिबूट करेगा वो हर बार एक नई रिक्वेस्ट के लिए, IP एड्रेस के लिए DSCP सर्वर को कांटेक्ट करता है। इस केस में होता है क्या है कि IP एड्रेस जरूरी नहीं है कि जो IP एड्रेस थोड़ी देर पहले DSCP सर्वर ने क्लाइंट को असाइन किया था वही IP एड्रेस क्लाइंट को मिले। आप चाहते हो अगर कि हर बार जब भी DSCP सर्वर से कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करे IP एड्रेस के लिए, तो उस क्लाइंट को DSCP सर्वर सेम IP एड्रेस यानी बार बार वही IP एड्रेस असाइन करे, तो इसके लिए आप रिजर्वेशन ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन बेसिकली उन सिस्टम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जिनको आप सेम ही सर्वर बनाना चाहते हैं। इट मीन्स कि उससे आप कुछ सर्वर जैसा काम लेना चाहते हैं, होस्ट जैसा काम लेना चाहते हैं उस कंप्यूटर से, सो दैट कि उसका IP एड्रेस अगर बार बार बदलता रहेगा तो जो क्लाइंट होंगे उनको उस सेम ही सर्वर को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी और आप नहीं चाहते हो कि उस पे भी स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना, तो उस केस में आप रिजर्वेशन ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो वो जो होस्ट होगा या सेम ही सर्वर होगा हर बार सेम IP एड्रेस उसको मिलेगा, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उस पर्टिकुलर होस्ट या कंप्यूटर या क्लाइंट का मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगा। अगर आपको उस क्लाइंट का मैक एड्रेस पता है तो आप रिजर्वेशन ऑप्शन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में एक क्लाइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लाइंट है, इसका जो होस्ट नेम है मैक एड्रेस है वो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, गेट मैक, तो ये इसका गेट मैक एड्रेस है। इसको मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ, नेटवर्क प्रॉपर्टी पे जाके चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे, इस पर डबल क्लिक करके ये देखिए 69 फिजिकल एड्रेस 08002720BA69, ये इसका मैक एड्रेस है जो कि मैं एक सिंगल कमांड गेट मैक के थ्रू भी देख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसमें सर्वर से भी इसको चेक कर सकता हूँ, एक बार मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.0.6 जो कि क्लाइंट का IP एड्रेस है, पिंग कर रहा है। अगर मैं ARP स्पेस हाइफन ए करता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो 0.6 है, 192.168.0.6 ये IP एड्रेस है, इसका मैक एड्रेस ये है। तो इस मैक एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सो दैट कि मुझे लिखना ना पड़े, ये कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको रिजर्वेशन ऑप्शन के लिए यूज़ करूँगा, न्यू रिजर्वेशन, यहाँ पे रिजर्वेशन नेम मैं दे देता हूँ सेमी सर्वर, IP एड्रेस 0.9 दे रहा हूँ और मैक एड्रेस यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन ओके करता हूँ। कह रहा है द यूनिक आइडेंटिफायर यू हैव एंटर मे नॉट बी करेक्ट, डू यू वॉन्ट टू आइडेंटिफायर एनी वे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है जो कॉपी किया यहाँ पे स्पेस दे दिया मैंने, स्पेस कम कर देता हूँ, ऐड करता हूँ, ऐड हो गया। आप देख सकते हैं ये रिजर्वेशन यहाँ पर हो चुका है। रिजर्वेशन की प्रॉपर्टी पे जाके आप चेक कर सकते हो ये मैक पे IP एड्रेस असाइन है। अब मैं क्लाइंट पे जाता हूँ,
और क्लाइंट पे जाने के बाद इसका आईपी एड्रेस मैं रिलीज़ करता हूँ, तो उसके लिए आईपी एड्रेस हटाने के लिए आईपी कॉन्फ़िग रिलीज़ कमांड चलाते हैं, एंटर करते हैं, आईपी एड्रेस रिलीज़ हो गया है, रिन्यू करते हैं, दोबारा से आईपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इसके लिए आईपी कॉन्फ़िग रिन्यू। यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस मिल गया है, बस देखते हैं क्या मिला है। आईपी एड्रेस ये किसी और कंप्यूटर से आईपी एड्रेस मिला है, रिन्यू दोबारा से करते हैं। नेटवर्क प्रॉपर्टी पे जाके चेक करते हैं, ये और भी नेटवर्क में है DHCP सर्वर, उससे ही मिला है। एक बार मैं दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट डिसकनेक्ट करता हूँ। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे 192.168.0.9 ये आईपी एड्रेस मिला है। इसको डिटेल से देखने के लिए आप बार यहाँ नेटवर्क की प्रॉपर्टी पे जाके चेंज आफ्टर सेटिंग्स डिटेल्स ये देख सकते हैं। आईपी वर्जन 4 एड्रेस 0.9 कितने दिन के लिए मिला है, और जब भी मैं इसको अगर डिसेबल करता हूँ और फिर से इनेबल करता हूँ तब भी आईपी एड्रेस दोबारा से मांगता है ये। और आप देख सकते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस लेगा फिर से 9 आईपी एड्रेस ही मिलेगा इसको, यानी हर बार इसको आईपी एड्रेस 192.168.0.9 मिलेगा। तो ये था रिजर्वेशन जिसके थ्रू आप किसी भी आईपी एड्रेस को क्लाइंट के लिए सेट कर सकते हो, हर बार क्लाइंट को वही आईपी एड्रेस मिलेगा। तो ये आपने सीखा DHCP रिजर्वेशन ऑप्शन। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।